नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर है असम से। देश की आम जनता से कर के रूप में वसूला गया धन जनता के हितार्थ ही खर्च किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण जनता के पैसे से निर्माण किया जाता है ताकि जनता सुचारू रूप से आवागमन कर सके। अगर जनता का धन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए तो जनता आवश्यक सुविधाओं से वंचित हो जाती है। असम के नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा चीख चीख कर अपने दामन में लगे भ्रष्टाचार की मार की निशानी दिखा रही है। आज हम हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, हाल ही में बने राजमार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। इन गड्ढों पर हुआ पानी का जमाव किसी घटना का सबब हो सकता है। विशेषकर डिब्रूगढ़ जोरहाट संयोगी राजमार्ग की हालत बहुत बुरी है। जी हाँ, ठेकेदार की कोताही के चलते ये अधूरा भी है। चलिए इस राजमार्ग के बारे में और इस पूरे घटना के बारे में, जो भी वहां पर सुविधा बनी हुई है, लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जानते हैं हमारे संवाददाता अरुण कुमार जैन से। बता दें कि जनता की तरफ से डिब्रूगढ़ के युवा नेता हुआ डॉक्टर भास्कर पापकोन गोगोई ने 3 मार्च को राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा के लिए गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय में एक PIL दाखिल की। इसके साथ ही तमाम जनता की शिकायत के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के शीर्ष अधिकारियों का एक विशेष दल की अनुवाई में सड़क निर्माण में की गई लापरवाही का मुआयना कर तत्काल इसे मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया। अब देखना यह है कि सरकार निरंकुश ठेकेदारों पर नकेल कैसे कसती है और जनता के पैसे उनसे कैसे वसूलती है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमारे दर्शकों को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा कैसी है और लोगों को असुविधा का सामना कैसे करना पड़ रहा है, चलिए अब हम जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा से जुड़े जो अधिकारी हैं उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है। भारत से लेकर डिब्रूगढ़ तक जो नेशनल हाईवे है वो काफ़ी दिनों से बहुत खराब स्थिति में थे, तो इसमें यातायात का जो सुविधा थे वो बिल्कुल ही नहीं थे, ना के बराबर थे, और गद्दे इतने थे कि हम ये कह सकते कि रास्ते कम और गद्दे ज़्यादा हैं। तो इस विषय पर लेके मैंने एक PIL दाखिल किया है गुवाहाटी हाईकोर्ट में, और उस PIL के देने के बाद कल 7 अप्रैल को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और MD NHDCL जोरहाट से लेकर डिब्रूगढ़ तक एक बाय रोड आए हैं। इन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो दुर्दशा है वो जल्द ही सुधरेगी और इस पर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कर दी है। अब देखना ये होगा कि ये आश्वासन कितना सशक्त साबित होता है, क्या ये सच में लोगों को, आम जनता को इस परेशानी से सबब जो वो ले रहे हैं, जो परेशानी का सामना वो कर रहे हैं, क्या उससे बचा पाएगा और कितनी जल्दी ये ठीक होता है और लोगों को इसकी सुविधा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।